सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इट्स मी वीके एडिटर्स। तो यार आज भी तुम्हारे लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। बट अभी मैंने यार तुम्हें कुछ दिनों पहले ही बताया था वीमॉस के बारे में, लेकिन वीमॉस की 7.1.2 यानी कि एंड्रॉयड नोकट वाली रोम दी थी, जो कि बहुत लोग को पसंद आई, पर बहुत लोग के में लैग फिक्स और लॉग इन इशू हो रहा था। ठीक है यार, उसका इशू मेरे पास, उसकी सोल्यूशन ना मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। कि लॉग इन फिक्स वाला इशू यार ऐसा है कि वो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि वो इशू मेरे साथ भी आया है और उस पर एक प्रॉपर वीडियो बन रहा है। और दूसरा इशू यार ये था कि बहुत लोग को थर्ड पार्टी बैन लग रहे थे, तो थर्ड पार्टी बैन का एक और सोल्यूशन मुझे मिल गया है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा कल वाले वीडियो में। आज बात करते हैं वीमॉस में कैसे आप एंड्रॉयड 10 की रोम यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड 10 मीन्स ओरियो नहीं, पाई नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड 10 है उसका नाम, कोई भी सुई का नाम नहीं है उसका, सिर्फ एंड्रॉयड 10 बोलते हैं। ये है उसका बैकअप रोम। तुम्हें सबसे पहले चाहिए है वीमॉस प्रो, ठीक है, वीमॉस प्रो डाउनलोड कर लेना। मैंने अपने वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कैसे डाउनलोड करोगे वीमॉस प्रो। और एंड्रॉयड नोगट की रोम भी है, मीन्स एंड्रॉयड 7 वाली अगर कोई इशू आता है तो, और एंड्रॉयड 10 की रोम भी है अगर कोई इशू आए तो। तुम्हें प्लस आइकन पर क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट्स जो तुम्हें दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करना, इम्पोर्ट लोकल रोम पर क्लिक करना। अब देखो यहाँ पर इतनी सारी रोम दिख रही हैं, इन सबको मत जाओ। एक बात रखना, जब भी तुम देखो, तुम्हें दिखाता हूँ चीज़। सबसे पहले जैसे तो मेरा फोल्डर जो है कहाँ गया MVP, अब इसमें तो मैं 2 फोल्डर देखिए, इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली उसका रोम इंस्टॉलेशन फेल्ड बताएगा, जैसे अभी दिखा रहा है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि ये तुम्हारी डायरेक्टली ना फोल्डर से रोम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए तुम्हें रोम को ना डायरेक्टली अपने इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करना पड़ेगा। जब तुम रोम को डाउनलोड करोगे तो प्लीज़ यार एक बात और, रोम को जब डाउनलोड करोगे तो उसे एक्सट्रैक्ट मत करना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि रोम के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं और फाइल्स होती हैं और ऐप्स और उसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उन्हें छेड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। जब भी ऐसे एरर आए, ऊपर जो 3 लाइन थी उस पर क्लिक करो, सेटिंग्स डिलीट कंफर्म, दैट्स इट। इसका जाओ अपने फाइल मैनेजर, जो भी फाइल मैनेजर तुम यूज़ करो, मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल MT मैनेजर, ठीक है। तो मैं बस ये क्यू वाली जो रोम है इसको करूँगा कॉपी एंड पेस्ट। मैंने इसे इंटरनेट स्टोरेज में पेस्ट कर दिया है, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका तुम्हें करना क्या, बस वापस जाना है वीमॉस प्रो में, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स, इंपोर्ट लोकल रोम, और तुम्हें तुम्हारी रोम यहाँ पे आ गई होगी, बस कहाँ आ रही वही देखना पड़ेगा। ये आ गई एंड्रॉयड 10 की रोम, इस पर क्लिक करो एंड रोम इंस्टॉलेशन बिगिंस, ठीक है। इसे कुछ 2 से 3 मिनट लगते हैं या फिर जल्दी हो जाएगा डिवाइस के अकॉर्डिंग। और तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि वीमॉस में लैग कैसे फिक्स करते हैं, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कल या परसों मैंने डाला था, तो उसको देख लेना लैग फिक्स वाले को, तुम अपने लैग को फिक्स कर देना। एंड्रॉयड 10 में एक प्रॉब्लम है, आपको सब चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगी, वो ना जैसे तुम नॉर्मली रोम से अपने फ़ोन से डायरेक्टली चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हो, वो थोड़ा सा दिक्कत है। या फिर तुम में से किसी को उसका सोल्यूशन पता हो तो भाई मुझे ही बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू आया, अभी मैं थोड़ा बाहर था तो मेरे पास वाईफाई का एक्सेस था, पर अभी नहीं है, ऐसा हो जाता है, तो मैंने टेस्टिंग कर ली थी तब वर्क कर रहा था यार, बाकी तुम चेक कर लेना। अब यार देखो ये रोम भी रूटेड है, बट इसका रूट चेकर जो यूज़ करोगे ना वो इसे नॉन रूटेड बताएगा, ठीक है, तो इस पर मत जाना, ये रोम रूटेड है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे सुपर यूजर इंस्टॉल्ड है। तुम चाहो तो इसमें मैजिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, सबको बताओगे यार चीट निंजा शार्प शूटर इसके करैक्ट आ चुके हैं, इसको तुम मैजिक्स में एक फाइल फ्लैश करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा चैनल पर, सो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि मेरा जो रूटेड वाला फ़ोन है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट आएंगे वीडियोस। बाकी तो मुझे मैजिक देखो सुपर यूज़र सॉरी एक्सपोज इंस्टॉल इंस्टॉल है, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल है। अब चाहो तो इसके एक्सपोज मॉडल भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, डाउन सेक्शन में जाके, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। या फिर अब देखो मैं दिखा दूँ कि एंड्रॉयड 10 है कि नहीं, क्योंकि वो दिखाना ज़्यादा जरूरी था। सिस्टम में जाओ, एंड्रॉयड डिवाइस में जाओ, एंड्रॉयड 10 तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब वर्जन ओरियो UI बीटा, अब यहाँ पे इसलिए लिखा होगा कि इसका जो लुक और बाकी सब चीज़ें हैं ना वो ओरियो से रोम से ली गई हुई हैं, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें मिल गया है फ्री फोकट में एंड्रॉयड 10 ऑन वीमॉस। और बहुत सारे बंदों को मैं देखा जो लोग वीमॉस के कुछ फाइल बना के सेल नहीं करते, वो लोग इन सब चीज़ों को भी सेल कर रहे थे, तो सच है कि भाई तुमको फ्री प्रोवाइड कर दूँ, मेरे पास सब कुछ फ्री मिल जाता है मुझे, तो तुम्हें भी प्रोवाइड कर दिया। और प्लीज़ वीमॉस प्रो का ना जो APK मैं दे रहा हूँ उसको यूज़ करना, क्योंकि ये क्रैक्ड APK है और इसे अपडेट मत करना प्लीज़, अपडेट कर दोगे तो जो भी APK का वो जो भी क्रैक्ड हमने किया था या फिर उसको मॉड किया था वो सारा डेटा हट जाएगा और वो नॉर्मल APK बन जाएगा,
उसके बाद तुम्हें लॉग इन करने का इशू आएगा, तो वो सब चीज़ें ट्राई मत करना। जो एपीके दे रहा हूँ उसको यूज़ करना। मेरी वेबसाइट पे इसका पूरा डिटेल्ड मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा कि कैसे इसे यूज़ करें विथ पिक्चर्स, या फिर तुम वीडियो को देख लेना कोई डाउट हो तो। चलो मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो। बट ज़्यादा से इतना कहूँगा कि यार वीडियो में आगे तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगी, वीमोस का लॉग इन फिक्स वाला इशू और लाइक इशू। अब भाई देखो, बहुत लोग कहते हैं ना मैं रन नहीं करता गेम को। यार देखो, सबको पता है यार मेरा एक चैनल था जिसको मैं कॉपीराइट इशूज़ आए थे, और मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे चैनल पे अगेन कॉपीराइट इशूज़ आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच के रहता हूँ। मैं तुम्हें गेम रन करके नहीं दिखा सकता, गेम रन करूँगा तो यार मुझे फिर से डर लगता है कहीं ऐसे कॉपीराइट इशू ना आ जाए दोबारा, बस इसलिए मैं गेम को रन नहीं करने वाला हूँ। बाकी चाहो तो मैं उस गेम को पूरा ब्लर कर दूँगा, पर ब्लर कर दूँगा तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आने वाला कि लैग कर रहा कि नहीं कर रहा। इससे बेटर है कि यार थोड़ा तुम खुद ही टेस्ट करके देख लो, मेरी प्रोसेस को बस फॉलो करो, स्टेप्स को फॉलो करो, तुम्हें अपने आप चीज़ों को अपने आप तुम अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे मेरी बिना हेल्प के। तो ट्राई करो कि यार तुम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हर चीज़ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आजकल बहुत हो रहे हैं इसलिए। तो चलो मैं तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू वंस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।